नमस्कार, मैं हूं सुमन चौधरी और आप देख रहे हैं अभी तक न्यूज। जैसे कि लोकसभा चुनाव काफी रूस पर है, सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं और आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ में हैं जो भगवान श्री वाल्मीकि के वंशज हैं। आज उन्हीं से हम शुरुआत करते हैं क्योंकि उन्होंने रामायण लिखी है। सबसे पहले बात करते हैं, जैसा क्या नाम होगा आपका? राजेंद्र सहदेव वाल्मीकि। अच्छा, देखो जैसे चुनाव आ रहा है, क्या लगता है आपको किस पार्टी का संबल लोकसभा में ज़्यादा है? आपको लगता है कौन जीत पाएगी या किसकी सरकार बननी चाहिए, क्या लगता है आपको? पार्टियां सभी अपने अपनी जगह मेहनत कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये तो अभी आम मतदाता ही तय करेगा किसकी सरकार बनेगी और कौन पार्टी कामयाब होगी। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी और जो पार्टियाँ हैं, बीजेपी पर कोई समाजवादी आरोप लगा रही है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं कि यहाँ पर हिंदू आबादी 50 के आसपास है, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ से किसकी सीट क्लियर हो पाएगी? ऐसा है, ये तो मतदाता के ऊपर निर्भर करता है। क्यों कि मतदाता का रुख बहुत से मुद्दों पर जाता है, कुछ महंगाई को देखते हैं, कुछ और बातों को देखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ जो है 50-50 का आंकड़ा है, लेकिन अब समय मतदाता को उस समय कहाँ तक ले जाता है, क्या करता है, ये उस पर। अच्छा, हमारा बिलारी का जो वाल्मीकि समाज है वो किधर जाता लग रहा है, किधर जाएगा? बीजेपी जाएगा, समाजवादी जाएगा, क्या लगता है आपको? पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में वाल्मीकि की अधिक संख्या बीजेपी की ओर है, लेकिन कांग्रेस में भी हैं, क्योंकि कांग्रेस ने प्रत्याशी दिए हैं, सपा ने प्रत्याशी दिए हैं, सपा में भी और बीएसपी में भी, ऐसा नहीं है क्या, लेकिन अधिक मात्रा बीजेपी। चलिए बात करते हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? गजराम सिंह वाल्मीकि। गजराम सिंह जी, देखिए जैसे चुनाव रूस पर है काफ़ी, तो आपको क्या लगता है कि बिलारी से जो संबल लोकसभा है उसमें किस पार्टी का जोर ज़्यादा है, कौन प्रत्याशी को आपकी उम्मीद है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा जो आप हम तक पहुँचे, लेकिन आज 14 अप्रैल है, हम इस वजह से इकट्ठे हुए हैं। आज के दिन हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जो आज जो है हम सड़कों पर, रोड पर, स्कूलों पर, राजनीतिक क्षेत्र में आज इन्हीं बाबा साहब की देन है, उनके जन्मदिन मनाने आए हैं। और राजनीतिक पार्टियों की तो ऐसी नहीं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। आइए अभी और हमारे साथ भाई साहब, इनसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजाद रत्नाकर है और मुझसे आप राजनीति की कोई बात ना करें। मैं आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती मना रहा हूँ और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आप जो है आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं आपको और सब देशवासियों को और पूरी जनता को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती की बधाई देता हूँ, धन्यवाद। अच्छा, जो हमारे दर्शक हैं, जरा आप उनको बाबा साहब के बारे में दो कुछ बातें बताएं। बाबा साहब के बारे में बात करना तो ऐसा हो जाएगा जैसे सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। बाबा साहब की वजह से आज दलित, पिछड़े, महिलाएं सब बाबा साहब के संविधान की वजह से आज सब मौज मस्ती में हैं और आज जो हम ये सफ़ेद शर्ट पहन के खड़े हैं ये सब बाबा साहब की देन है। लोकसभा चुनाव काफी रूस पर है, उसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं लोकसभा 8 जो अपने अस्तित्व में 1970 में आई थी, और लोकसभा संबल में आज हम पहुंचे हैं बिलारी विधानसभा में। बिलारी विधानसभा के युवाओं के दिल में क्या है जो 7 तारीख को अपने वोट करने के लिए मतदान केंद्र में जाएंगे? बात करते हैं जो हमारे युवा साथी हैं, सभी के सामने मुद्दों को बताने की आवश्यकता नहीं है, जो भी मोदी सरकार ने करा है उनके आज हमारे देश की सेना है मजबूत है, वो लाभ उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट मिली है और 370 बाकी। आपने बात कही राजनीति पर, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो राजनीति को खत्म कर देंगे, तो बात क्या करें? अगर इन्हें करना होता तो ये अब तक कर दिए होते, जो भी करना वो कर दे, वो केवल अपने वोट बैंक के लिए सब कुछ करती है, क्या कहोगे? ना तो कभी
तक राजनीति कर रही है, ना वो करेगी और ना आगे तक कभी नहीं करेगी। ये जो है भाजपा सरकार चला रही है, गलत किसी भी तरीके से नहीं है, ये सब लोग गलत है। इन्हें अपने आप में खुद देखना चाहिए कहाँ हम खुद गलत हैं। आज भाजपा आगे बढ़ी है इन्हीं के कारण बढ़ी है। अगर काम ना करो कोई भी व्यक्ति तो दूर करीब रहना ही देता। आज हर जगह काम है, आप करने वाले की काम की कमी नहीं है। मोदी सरकार ने काफ़ी नौकरियाँ भी दी, रेलवे में भी निकली है, कांग्रेस के करने ना करने वाले को तो नई नौकरी नहीं है। उनको कहना है कि आज जो भाजपा सरकार है केंद्र में, उसमें ना तो भूखे लोग कहते हैं, ना बहुबेटी लोग कहते हैं, और महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा, सुरक्षा को निराश कर रहे हैं। सुरक्षा तो इससे बेहतर सुरक्षा सबसे बेहतर है। अगर बात की जाए संभल लोकसभा की तो वो प्रत्याशी इसमें कर रहे थे रहमान बटने पोते हैं जी, और रहमान वो है। तो क्या लगता है आपको, क्या निश्चित चीज निकल पाएगी और क्या पूरा पाएगा? ये यही है कि क्लास पार्टी जीतेगी, सैनी जी पूरे और बीजेपी सभी दलों का कहना है कि राम मंदिर बना और राम मंदिर पर जो पूरा मौसम था और जो पूरा आज था वो बीजेपी ने बनवाया, बीजेपी कार्यक्रम था 22 जनवरी का, उसको लोग क्या करेंगे? बीजेपी ने बीजेपी का तो एक खाली नाम है, बीजेपी का काम है जो राम मंदिर बना हुआ है वो बीजेपी के पैसे से नहीं बना, सरकार का उसमें कोई पैसा नहीं लगा। उसका तो केवल सभी लोगों का जो पैसा मतलब वहाँ का गया हुआ है दान भाग उसके ट्रेस से बना हुआ है, उसी के ब्याज से बना हुआ, ये तो गलत है। अभी जो इंडिया गठबंधन का जो घटक दल है उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, अगर हमारी सरकार गठबंधन की बनती है लगता होगा फिलहाल, जो भी लगता हमें तो जो लगता नहीं है कि हमारे देश में परमाणु नहीं होंगे, हथियार ही नहीं होंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा कहाँ से? आज हम पे चीन हावी हो जाता है, आज हम पे पाकिस्तान हावी होता है, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की वजह से ये हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। विपक्षी दल जो है आगे बढ़ना तो चाहते हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे। अभी बताओ परमाणु बम अगर नहीं रहेगा या उसी के पास हथियार अगर नहीं होंगे जो है सरकार के पास में, सेना के पास में, अगर बात किया हमारी लोकसभा संबंध तो ऐसा क्या काम था जो समाजवादी के जो थे वो नहीं कर पाए, वो प्रदर्शन नहीं कर पाए, क्या लगता है? ये व्यक्ति जो पिछली सरकार ना कर पाई है वो सैनिक साहब करेंगे, जो काम उनसे छूटा है वो सैनिक साहब कर पाए। अभी हमारे साथ एक हमारे बड़े भाई मौजूद हैं, क्या नाम है? देखिए चुनाव खत्म, क्या लगता है आपको किस पार्टी से काम आ पाएगी और हमारी संभल हो सकता है कौन विजयी हो पाए? बीजेपी के प्रवेश लाभ है ऐसा किया आज में जो ये बोले तो क्या लगता है कि इनकी वो जातिवाद पर टिप्पणी कर देते हैं और बीजेपी का काम है सबका साथ सबका विकास, वो जातिवाद पे काम नहीं करते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार मोदी सरकार का साथ नहीं, बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास कर देगी, ये जातिवाद पर राजनीति करते हैं। बनाई है लोग राहुल गांधी और जो कहना है कि बेरोजगारी है, महंगाई बहुत है, 1200 रुपये का 800 रुपये का महंगाई गुजरात
चीज कांग्रेस के राज में 1200-1300 रुपया कुंटल गेहूँ बिकता था, आज 2800 रुपये कुंटल गेहूँ बिक रहा है। क्या महंगाई है मुझे इतना वहाँ महंगाई सोच की महंगाई है भाई उस टाइम।